गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रीतीश। जैसे कि आप जानते हैं, आज है 24 अप्रैल मंडे और आज है हमारे ग्रेटेस्ट सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन। तो हमारे तरफ से आज के दिन की शुरुआत ही उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते होती है, इसलिए सचिन जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले फ्यूचर के लिए और आज के दिन के लिए। वैसे आज मैं उठ चुका हूँ, ग्रेसी सो रही है, खुशहाली नीचे जाके ब्रेकफास्ट बना रही है, पापा गए हैं बाहर गाँव। वैसे ग्रेसी को देखेंगे आज इवनिंग में, अगर पॉसिबल रहा तो ग्रेसी को हम स्विमिंग वगैरह ले जाएंगे ताकि उसका दिन भी अच्छा जाए। उठ रही है क्या लड़की? लगता नहीं उठेगी। कल मैंने देखा मैच और कल मैंने किया रिलैक्स। कल देखा मैंने अजिंक्य रहाणे जी की पारी, क्या बैटिंग की है उन्होंने, मस्त बैटिंग की। और जैसे मैं जानता हूँ कि धोनी जी का एक टच होता है, गोल्डन टच है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन धोनी जी के टच में कोई भी प्लेयर जब आ जाता है तो वो प्लेयर की क्वालिटी में चेंज हो जाती है। एक बेसिक प्लेयर अच्छा प्लेयर बन जाता है और एक अच्छा प्लेयर बहुत अच्छा प्लेयर बन जाता है। माने आपकी संगत में कोई ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए, जैसे धोनी जी है, धोनी जी का हाथ लगते बराबर ही जैसे गोल्डन टच है, या मराठी में हमारे परिस बोलते हैं, तो जैसे टच हो जाता है तो आदमी बदल ही जाता है। कल इवनिंग के मेरे एक्सरसाइज प्लान का बर्पीस का एक प्लान मेरा रह गया था, तो मैंने सोचा आज दिन की शुरुआत पहले बर्पीस को पूरा करके ही करता हूँ, इसलिए मैं पहले बर्पीस कर रहा हूँ। ओ बेटा, जैसी उठ ली? ओ गुड मॉर्निंग। अब ग्रेसी उठ गई है, अब वो बर्पीस नहीं करने देती। उठ गया बेटा? हाँ। अरे तू तो गुड मॉर्निंग बोल के फिर सो रहा है, उठ गया छो तू? ओ वेरी गुड। मैडम गुड मॉर्निंग जी, क्या बना नाश्ता? मोट बनाई है। मोट बन गई नीचे? अच्छा मैं नहा लेता हूँ फिर बनते हैं। हाँ अच्छी नींद आएगी तुमको? थोड़ी सी बेचैनी। बेचैनी थी? हम तो हाँ, हमको तो एक बार हम सो जाए तो हम तो एकदम कहीं भी सुला दो। हाँ काय हो गया? आलो 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 हो कहाँ बनता है? बाहर है, चल बाहर, ये बाहर है, आ जा। ओ कहाँ से निकल गई लड़की, गेट छोड़ के? चल आ जा। हाँ हाँ आ जा, चल आ जा। गेट ताई लाओ जूंदे चल रहे। हम लोग यहाँ रेडी हो गए हैं मार्केट जाने के लिए। ग्रेसी भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, नैना भाई रेडी हो रहे हैं, बस और बस हम लोग अब निकलते हैं मार्केट के लिए। वहाँ हमको प्रीति जी ज्वाइन करेंगे। चलिए आइए। ग्रेसी कहाँ जा रहे हैं? भूर जा रहे हैं? पापा। पापा भी आएंगे वहाँ? चल है ना ग्रेसी, कितना कन का लिए तू? कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? घर से। कहाँ से लाए ये भाई? घर से। इधर से कहाँ जाने वाले हैं? मार्केट। क्या लेने जा रहे ग्रेसी? पापा के पास जा रहे? हाँ हाँ गांधी चौक चुन्नू मुन्नू गली। ग्रेसी तैयार हो गए जाने के लिए? तो चलो कल तो बाय बाय। हाय गाइस कर दो। हाय हाय गाइस। चलो ग्रेसी की सेकंड ऑर्डर राइड। ये ठंडी गर्मी लग रही है। ठंडी बाय बाय। अभी के दिनों में आपको ठंडी लग रही है ग्रेसी? अरे बाप रे। हो और हम लोग पहुंच चुके हैं शॉप। हाय
हाँ हो गया हमारा, आ जाओ। ये जो पुराना रिलायंस था ना, हाँ उसके पास आ जाओ। हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। हम यहाँ वेट कर रहे हैं प्रीतिश जी का, आ जाएंगे अभी। मिट्टी गोडी भेटली, मिट्टी गोडी प्रीतिश जी ने असंच केलं होतं, यांच्याकडूनच आणली होती मदात। ते सर्दीची येते ना लहान मुलांची, येऊ द्या यांना, येतच आहे। ते पप्पा आले, पापा दिसले सही, गाडी टर्न करत आहे। पापा कुठे? पापा गाडी आली, गाडी आली, चला नाही, चलो चलो ग्रेसी, पापा गे, पापा गए, चलो। और आ चुके हैं प्रीतिश जी, ये चलो चला, बशा 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 बशा। ओ पापा आला, मला पण जागा देना ग्रेसी, ये वाओ, देख ग्रेसी ला दे, छान है छान है छान है। आज सोमवार है इसलिए मार्केट से हम सीधे जा रहे हैं शिव जी के मंदिर। दर्शन होने के बाद अभी हमें भूख लगी है, इसलिए हम ग्रेसी के फेवरेट होटल में डोसा खाने आए हैं। ओके गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं घर। हो गया हमारा, हमारी शॉपिंग भी हो गई है और हमारा खाना पीना भी हो गया। अभी हम घर के लिए निकल चुके हैं, बाहर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है भाई। तुम लोग ऑटो में मजा आएगा नहीं? जब भी नहीं थी ऑटो से हम आए ना, इतनी कोई गर्मी नहीं लगी है ना दादाई, मस्त आ गए ना, बहुत ठंड ठंड लगा। पार्सल 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 है ना, पार्सल बाद में थोड़ा गर्मी बढ़ गई। चश्मा तो लगा ले, चश्मा तो लगा ले, मम्मी चश्मा लगा दे। ओ ये क्या है, कहाँ है, कहाँ है, क्या है, क्या है? मम्मा मैं जा रही, निकाल ले, काढ़ूंगे ना, नहीं काढ़त। हम हो गए हैं रेडी, हम जा रहे हैं स्विमिंग के लिए, क्योंकि वो दो तीन दिन तो वेस्ट हो गए, लेकिन ग्रेसी भी नाराज हो गई। आज ग्रेसी का सब सामान आ गया है और हम जा रहे हैं स्विमिंग के लिए। ग्रेसी रेडी? Yay! Ready to go! क्या कर रही है बेटा? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हाँ हाँ बिल्कुल रखो। आज तो एकदम खतरनाक कर दिए भैया। ग्रेसी उतर ली पाने,
बाप रे ग्रेसी ग्रेसी ग्रेसी, वाव मजा आली। अरे बाप रे अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, मजा आ रहा है। ये इकड़े ये इकड़े बाय 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 बाय। ग्रेसी घरी जाऊ, ग्रेसी घरी जाऊ, घरी जाऊ, घरी जाऊ, घरी जाऊ ना। अरे घरी जाऊ ग्रेसी, ग्रेसी तो घर नहीं आ रही। ग्रेसी बोल रही है मैं यहीं रुकूंगी और मैं नहीं आती, तो ग्रेसी तो पानी में उसका स्टे एंजॉय कर रही है। थोड़ी देर बाद जैसे ही भीड़ कम हुई मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं भी पानी में उतर ही गया। हम आ चुके हैं घर। आखिरी में मुझे चांस मिला तो मैं भी स्विमिंग में उतर ही गया था। बहुत सालों बाद स्विमिंग की इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, मुझे भी थोड़ी थकावट है लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगा थोड़ा सा जमने के लिए, थोड़ा स्विमिंग करने के लिए। अभी ग्रेसी तो बहुत थक चुकी है, अभी नहा के ऊपर गई है। मुझे लगता है आज तो ग्रेसी ना उठेगी ना हिलेगी, उसकी वापस आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी क्योंकि ना खेल रही थी और बाकी भी बच्चे थे वहाँ पे, कोच सर भी अच्छे मिले तो उसमें उसको इतना मजा आया कि वो उतरने को तैयार ही नहीं थी। वो स्विमिंग छोड़ो, अकड़ क्यों गई हो पूछो उसको। ग्रेसी ऐसी अकड़ गई थी कि हिल भी नहीं रही थी, उसको जबरदस्ती उठाया नींद से। अब ये उसकी मालिश चल रही है ग्रेसी की, क्योंकि ग्रेसी सॉलिड अकड़ चुकी है। ग्रेसी इतनी ज्यादा नींद में थी कि जब आवाज दे रहे थे तो हाथ की उंगलियां हिला रही थी या पैर की उंगलियां हिला रही थी, रिप्लाई भी नहीं दे रही थी। इसलिए हमने उसको जबरदस्ती उठाया कि भाई चल उठ, खाना खा ले, थोड़ा पी ले। और अभी वो बोल रही है अभी चल भी नहीं रही, तो पापा और नंदा ने मिलकर उसकी मालिश कर रहे हैं। तो आज का दिन तो हो चुका है पूरा, आज बज चुके हैं 12। मैं कर रहा हूँ अभी एडिटिंग और देख रहा हूँ ग्रेसी की हरकतें। तो ग्रेसी को खाना खिलाते हैं, हम भी थोड़ा एडिटिंग करते हैं और आराम करते हैं। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। आज का व्लॉग थोड़ा बड़ा और लंबा हो सकता है लेकिन जो भी होगा आपको तो पूरा दिखाना है और आपने भी पूरा देखना है, तो इसलिए पूरा व्लॉग देखिए, एंड तक बने रहिए हमारे वीडियो में। खुशहाली बोल रही है व्लॉग बड़ा है लेकिन एंड तक बने रहिए और पूरा व्लॉग देखिए। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। हिट रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।